दोस्तों आज की इस वीडियो में काफी अच्छी अपडेट्स हैं इंडियन रेसलरों की, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हम सतनाम सिंह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सतनाम सिंह AEW में काफी ज्यादा तहलका मचाने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों सतनाम सिंह को काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जा रहा है AEW में। दोस्तों सतनाम सिंह पर AEW टैग टीम चैंपियंस FTR ने हमला कर दिया था। जब सतनाम सिंह अपनी टीम के साथ एंट्री करते हैं तो सतनाम सिंह वहां खड़े होते हैं दोस्तों, जब एंट्री टाइम होती है उनकी, तो पीछे से आके FTR उन पर हमला कर देते हैं। तो सतनाम सिंह नीचे टेबल पर आकर गिर जाते हैं और तहस नहस हो जाते हैं। पर दोस्तों सतनाम सिंह की जो टीम है उन पर हमला बोल देते हैं FTR, जो कि जेफ चैरिट हैं, जो लीथल हैं, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे FTR से। तो दोस्तों उन पर हमला होता है। इसके बाद आते हैं सतनाम सिंह और सतनाम सिंह हमला कर देते हैं FTR पर। और दोस्तों काफी ज्यादा रौद्र रूप पर सतनाम सिंह बदला लेते हैं FTR से। FTR को दोस्तों सतनाम सिंह ने तोड़ फोड़ कर रख दिया। आखिर में दोस्तों सतनाम सिंह ने FTR को डबल चोक स्लैम लगा के उन दोनों को तहस नहस कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से सतनाम सिंह का गुस्सा आया था। तो इस तरीके से दोस्तों सतनाम सिंह काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं AEW पर, और एक जाइंट रेसलर है जो कि AEW पर राज कर रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करते हैं महावली शेरा के बारे में। दोस्तों महावली शेरा का मैच पहले हुआ था PCO के खिलाफ, जो कि सिंगल मैच हुआ था। तो दोस्तों महावली शेरा को उस मैच में ज्यादा डोमिनेशन तो नहीं मिली थी और महावली शेरा उस मैच को हार गए थे। उसके बाद दोस्तों महावली शेरा को एक मौका मिला, जो कि मैकलिन है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनके साथ मौका मिला बदला लेने का। तो बैक स्टेज दोस्तों PCO पर हमला बोल दिया राज सिंह, मैकलिन और जो हमारे महावली शेरा है, उन तीनों ने हमला बोल दिया। और आखिर में दोस्तों मैकलिन ने बोला कि तुम अपना बदला ले लो। तो दोस्तों महावली शेरा ने बैक स्टेज पर PCO पर हमला बोल दिया और आखिर में उन्होंने खतरनाक तरीके से एक चोक स्लैम लगाया, उस तरीके से PCO को फोड़ कर रख दिया। दोस्तों बहुत ही खतरनाक हमला कर दिए थे मैकलिन ने। तो दोस्तों इस तरीके से महावली शेरा ने अपना बदला पूरा किया PCO के खिलाफ। अब देखते हैं दोस्तों महावली शेरा को किस तरीके से बुक किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं जोरा जोहेल, जिसको रोबो दी पंजाबी लॉयन से हम जानते हैं सभी। दोस्तों जोरा जोहेल जो हमारे पंजाबी दी लॉयन है, उनका मैच होने वाला है 2 जून को 2023 में होगा। दोस्तों इनका चैंपियनशिप मैच जो कि लैडर मैच होगा, दोस्तों काफी अच्छा मैच देंगे हमारे जोरा जोहेल। देखते हैं दोस्तों इनका मैच होने वाला है समर शो डाउन पर। जो उनके अपोनेंट हैं वो केसर लियो हैं। दोस्तों इनका चैंपियनशिप मैच जो कि लैदर मैच होगा, काफी अच्छा मैच होगा। देखते हैं दोस्तों कौन जीतता है, क्या जोरा जोहेल न्यू चैंपियनशिप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडस शेर के बारे में। दोस्तों पहला मैच इंडस शेर का जो कि जॉबर्स के खिलाफ हुआ था, तो काफी डोमिनेशन तरीके से इस मैच को आसानी से जीत लिए थे इंडस शेर ने। अब दोस्तों कल होने वाले रॉ पर क्या होगा, अगर हमारे इंडस शेर के सामने कोई तगड़ी टीम होगी क्या उनको जीत पाएंगे। दोस्तों देखते हैं इंडस शेर के लिए क्या प्लान से, या फिर जॉबर से ही लड़वाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से तो उनको अच्छे अच्छे अपोनेंट देना चाहिए जो कि रॉ रोस्टर से होना चाहिए, ऐसे ही जॉबर से नहीं लड़ाना चाहिए। आप मुझे कमेंट बताएं कि इंडस शेर के अपोनेंट कौन होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।